पूर्व पार्षद एकता मंच के द्वारा मंगलवार को पूर्व पार्षदों को नगर निगम में बैठने के लिए एक कमरा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर महापौर को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसके संबंध में नगर निगम के पूर्व उपसभापति सुरेंद्र जायसवाल ने बताया कि पूर्व पार्षद नगर निगम बोर्ड के मेंबर हैं, लेकिन उन्हें बैठने के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई है। नगर निगम के वर्तमान पार्षद अपने कमरे में आधिकारिक तौर पर बैठे रहते हैं, परंतु पूर्व पार्षद नगर निगम में आने पर स्थान नहीं मिलता है, जो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व पार्षदों के लिए बोर्ड की तरफ से एक कमरा उपलब्ध कराने तथा कमरे के बाहर बोर्ड लगाकर उन्हें बैठने के स्थान देकर सम्मानित किया जाए। इस अवसर पर पूर्व पार्षद दशरथ प्रसाद, नीलम दुबे, श्रवण कुमार पांडे, रवि प्रताप रावत, अरविंद चौधरी, विष्णुकांत शुक्ला, हरीश चंद, रमाशंकर सिंह सहित अन्य पूर्व पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के पूर्व उपसभापति सुरेंद्र जायसवाल ने कहा, कर दीजिए ना। सुरेंद्र जायसवाल, किस संदर्भ में आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? आज नगर निगम में हमारे पूर्व पार्षद एकता मंच के सभी साथी इकट्ठा हुए हैं, महानगर की समस्याओं को लेके हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो है नगर निगम में पूर्व पार्षदों की कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई कमरा नहीं है उनका, और महान में होली का त्यौहार है, लाइट और सफाई की व्यवस्था को और सड़क जहाँ जहाँ अभी ख़राब है, हम लोग इस संदर्भ में महापौर जी को ज्ञापन देने आए हैं। और पूर्व पार्षदों के नगर निगम में आने पर जो है यहाँ पर कोई उनको तवज्जो नहीं मिलता है, इस बात के अवगत कराने आए हैं कि पूर्व पार्षद भी यहाँ का भी सम्मानित पार्षद था, और जो है सम्मानित उनको भी आने पर उनकी बातों को सुना जाए। जिस वार्ड में पार्षद जो है पूर्व पार्षद है, अगर कोई बात अपनी कहता है, सफाई संबंधित कोई बात करता है, जैसे शिवपुर साहबानगंज में अनिल गुप्ता जी हैं, वो बार बार सुपरवाइजर और जो है और आपके सफाई इंस्पेक्टर से बात करते हैं, लेकिन भी उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया जाता है, जो कि ये बहुत गलत बात है। पूर्व पार्षद एक राजनीतिक पार्षद होता है, जिस तरह वर्तमान पार्षद का सम्मान होना चाहिए, उसी तरह पूर्व पार्षद का भी सम्मान होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग का मुख्य मुद्दा ये है कि नगर निगम में पूर्व पार्षदों की बैठने की व्यवस्था किया जाए, उनके लिए एक कमरे का अलॉटमेंट किया जाए, जो हम आज ज्ञापन देके मांग अपनी कर रहे हैं।